अब मेरे अकॉर्डिंग तो गेम कैसे भी हो उसके ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए। तुम भी सेम सोचते हो ना मेरी तरह, तो बहुत गलत सोचते हो। जब तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हें गेम बताने के लिए तो बस ग्राफिक्स ही थोड़ी ना अच्छे होंगे, बल्कि ग्राफिक्स के साथ साथ अच्छी स्टोरी होगी, बढ़िया से गेम प्ले होगा और उसी के साथ तुम्हारी डिवाइस को भी सपोर्ट करेंगे। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? आज हम ऐसे ही टॉप 10 बेस्ट हाई ग्राफिक्स गेम देखेंगे जो कि आपको अपना दीवाना बना लेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्या चीता ही कहते हैं इसे भी, मतलब शेयर कर देना, ठीक है। चलते अपने 10th गेम पर जो है हिटमैन ब्लड मनी। तो फाइनली ये गेम 30 नवंबर को लॉन्च होने वाला है और लगभग हिटमैन के बारे में सभी जानते होंगे। बाकी बात करें इसके गेम प्ले की, तो इस गेम में आप ऐसा हिटमैन खेलते हो जो कि एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम AK-47 है। इस गेम में आपको अलग अलग चैलेंजेस और टारगेट मिलते हैं जिनको आपको कम्प्लीट करना होता है। और भाई जो गेम्स के टारगेट है वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको अलग अलग लोकेशन पर भेजा जाता है बड़े बड़े क्रिमिनल को मारने के लिए। आपको वहां पर अपने दिमाग का यूज करके सबसे बचकर टारगेट कंप्लीट करने होते हैं। बाकी गेम के ग्राफिक्स वगैरह काफी इंप्रूव है इस बार, तो जरूर ट्राई करना। बाकी इसको प्रीऑर्डर कर लो, वैसे तो 2 ही दिन बचे हैं, आने ही वाला है गेम, तो एक बार जरूर से ट्राई करके देखना, ठीक है। चलते अपने 9th गेम पर जो है ग्रेट ऑटो स्पोर्ट। गेम का साइज है 3.2 GB और ये कंसोल क्वालिटी रेसिंग गेम है। और मेरे हिसाब से जितने भी रेसिंग गेम है ना, ये अपने ग्राफिक्स दिन पर दिन इंप्रूव करते जा रहे हैं। मतलब भाई सेम पीसी वाला एक्सपीरियंस आपको मोबाइल पर मिल रहा है इन गेम्स में। बाकी आप देख ही रहे हो गेम्स के ग्राफिक्स कितने ज्यादा डिटेल है। और उसी के साथ गेम में आपको 100+ कार मिल जाती है एंड गेम में आप कंट्रोल वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही गेम में आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स प्ले कर सकते हो एंड और भी बहुत सारी रेस है जैसे ड्रैग रेस, ओपन व्हील, ड्रिफ्ट रेस, बहुत सारी हैं। लेकिन एक बार चेक कर लेना क्योंकि ये गेम कुछ लिमिटेड डिवाइस के लिए है। बाकी स्क्रीनशॉट देख लेना आपके फोन का नाम है या नहीं, अगर ना भी हो तो निराश बिल्कुल मत होना। इसकी जगह आप रैली होरिजन ट्राई कर सकते हो, वो भी बेस्ट रेसिंग गेम है, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करना और अगर आपकी डिवाइस में ना चले तो रैली होरिजन ट्राई करके देखना, ठीक है। चलते अपने 8th गेम पर जो है गॉड सिमुलेटर 3। गेम का साइज 2 से 3 GB के आसपास होने वाला है। बाकी एक ओपन वर्ल्ड गॉड सिमुलेटर गेम है जिसमें जो गोट है वो सब कुछ कर सकती है, मतलब कार चला सकती है, हवा में उड़ सकती है, फाइट भी कर सकती है। क्या मतलब, गोट तो सिर्फ घास खाती है, लेकिन इस गेम में नहीं खाएगी, बाकी घास को छोड़कर वो सब खाएगी जो आप भी नहीं खा सकते। बाकी गेम के डेवलपर का कहना है कि इस गेम से आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है जैसा पीसी वाले से मिलता था। और गेम में आपको बहुत सारी गोट्स मिलती हैं जैसे फिशी गोट, गोट विद हैट एंड और भी बहुत सारी हैं। साथ ही गेम में आपको बहुत सारे चैलेंजेस, सीक्रेट्स मिलते हैं। उसी के साथ गेम की फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप इस गेम में। पेड़ पे सीधे चढ़ सकते हो, कार उल्टी चला सकते हो, घर में जाके कार चला सकते हो, उड़ सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो बेस्ट गेम है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। चलते अपने 7th गेम पर जो है वन स्टेट आरपी लाइफ सिमुलेटर। ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है और ये गेम कुछ मिलता जुलता सा भी है अपने GTA से। और इस गेम का वर्ल्ड भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसमें एक ही बारी में 500 से भी ज्यादा बंदे खेलते हैं सेम मैप पर। और गेम में आपको वर्ल्ड एक्सप्लोर करना होता है, मनी अर्न करनी है, ट्रेड करनी है दूसरे प्लेयर के साथ, जिससे आप अपना बिजनेस अपार्टमेंट वगैरह बना सकते हो। साथ ही गेम में आप अपनी स्टोरी का कैरेक्टर खुद चूज कर सकते हो कि आपको एज अ पुलिसमैन, आर्मी सोल्जर, बिजनेसमैन की तरह खेलना है। साथ ही गेम में कार्स वगैरह भी है, तो बढ़िया गेम है, मतलब कार्स वगैरह की कोई कमी नहीं होने वाली इस गेम में। तो बेस्ट गेम है, एक बार जरूर ट्राई करना और ना मिले तो टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और वहां भी ना दिखे तो मेरे को इंस्टा पर DM कर देना एक बार, क्योंकि शायद इस गेम में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे डायरेक्ट इसकी लिंक शेयर नहीं कर सकता। तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पर DM कर देना, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाओ जल्दी से DM करो, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। चलते अपने 6th गेम पर जो है एलियन आइसोलेशन। गेम का साइज 3.2 GB, ज्यादा भी हो सकता है। बाकी एक हॉरर सर्वाइवल गेम है जो कि इंस्पायर्ड है 1979 की फिल्म एलियन से। और बात करें इस गेम के गेम प्ले की और इसके ग्राफिक्स वगैरह की, तो भाई ग्राफिक्स तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और डरावने है, मतलब अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो मत खेलना। बाकी गेम की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब गेम में आपको एक स्पेस सेटलमेंट में फंस गए हो जहां पर एलियन वगैरह है और वो एलियन जितने भी लिविंग बींग है सबको मार रहा है। तो आपको इस गेम में एलियन वगैरह से सर्वाइव करना है, गेम में प्रोग्रेस करनी है। देखा जाए तो बेस्ट हॉरर के साथ साथ अच्छे ग्राफिक्स भी हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना। मतलब गेम की स्टोरी भी अच्छी है, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और खेलने में भी मजा आएगा गेम को, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। चलते हैं अपने 5th गेम पर जो है लाइफ इज स्ट्रेंज। गेम का साइज है 1 GB और ये एक स्टोरी बेस्ड गेम है जिसमें आपको एपिसोड में गेम को कंप्लीट करना होता है। साथ ही गेम के ग्राफिक्स तो हैं ही अच्छे, उसी के साथ इस गेम का वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसमें आप अलग अलग एडवेंचर कर सकते हो। उसी के साथ गेम पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप अपनी स्टोरी कैसे खत्म कर रहे हो, कैसे स्टार्ट करोगे, सब आपके ऊपर डिपेंड है।
और थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताऊं तो वो कुछ ऐसी है कि एक फोटोग्राफर है मैक्स, उसको ये पता चलता है कि वो अब टाइम में पीछे जा सकता है और वो वहां जाकर कुछ छेड़छाड़ी कर देता है जिससे उसका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, मतलब पास्ट में कुछ दिक्कत हो जाती है जिससे उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनसे आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, तो बेस्ट गेम है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। चलते अपने फोर्थ गेम पर जो है द रूम ओल्ड सिंस, और गेम का साइज है 1 GB और ये गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाला है। साथ ही ये गेम पहले से ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है अपने मोबाइल पर, बाकी एक पजल बेस्ड गेम है। पजल का नाम सुन के इसको बोरिंग मत समझ लेना क्योंकि ये गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी आप ग्राफिक्स क्वालिटी देख ही रहे हो कितनी ज्यादा अच्छी है, और हाँ ये मत सोचना कि पजल भी ऐसी वैसी होंगी, नहीं सारी पजल ऐसी होंगी जो कि तुम्हारा दिमाग घुमा देंगी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम में आपको पजल सॉल्व करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। बाकी अगर आपको बेस्ट पजल गेम खेलना है तो शायद इससे अच्छा कोई और गेम होगा, मतलब पजल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसी के साथ ग्राफिक्स डिटेल वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी है इस गेम की, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। चलते अपने थर्ड गेम पर जो है लिटिल नाइटमेयर, ये एक हॉरर एडवेंचर गेम है जो कि ऑलमोस्ट सभी ने खेल रखा होगा अपने पीसी वगैरह के ऊपर, मतलब खेला नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देख तो जरूर ही रखा होगा, है ना। बाकी इस गेम की स्टोरी वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह से हॉरर और एस्केप करने वाले गेम पसंद है ना तो ये बेस्ट गेम रहेगा। बाकी गेम में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, पजल हैं, तो आपको उनको फाइंड करना है, सॉल्व करना है और यहाँ पर सर्वाइव करना है। उसी के साथ ग्राफिक्स क्वालिटी देख ही रहे हो कितनी ज्यादा अच्छी है, और गेम की साउंड इफेक्ट वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी और डरावनी भी है, तो देखा जाए तो ये बेस्ट गेम है। बाकी ये गेम बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है तो जाके प्रीरजिस्टर कर लो इस गेम को, बेस्ट गेम है। और हाँ मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई ये गेम आपने बहुत बार बता दिया, भाई मेरे को भी पता है मैंने बहुत बार बता दिया क्योंकि मैं इस गेम को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे ये गेम आएगा मैं तो इसको ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट में बताना आप इस गेम को ट्राई करने वाले हो या नहीं, ठीक है। चलते अपने सेकंड गेम पर जो है डेविल मे क्राई, गेम का साइज है 896 MB जो कि आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है। वैसे ये गेम 6 से 7 GB का है, बाकी डेविल मे क्राई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है पीसी कंसोल वगैरह के ऊपर, और इस गेम में भी आपको तगड़े एक्शन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बड़ा वर्ल्ड और अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स मिलते हैं। इस गेम में आप पीवीपी मतलब प्लेयर वर्सेस प्लेयर वाला मोड खेल सकते हो, और गेम में आपको अलग अलग बॉसेस से फाइट वगैरह करनी होती है। बाकी मुझे तो पर्सनली गेम के ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे, मतलब ओवरऑल बताऊं तो गेम बेस्ट है, इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं, एक्शन भर भर गए भाई गेम में, और एक से एक फाइट होने वाली है गेम में, तो बेस्ट गेम है, एक बार जरूर ट्राई करना और अपने भाई को भी बताना कमेंट में आपको ये गेम कैसा लगा, ठीक है। चलते अपने फर्स्ट और इस वीडियो के लास्ट गेम पर जो है राजी एंड एंशिएंट एपिक, गेम का साइज 767 MB और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया एडवेंचर गेम है, और लगभग सभी इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि अपने जितने भी यूट्यूबर हैं जैसे कैरी मिनाटी, टेक्नो गेमर, स्काउट वगैरह सब ने इसकी स्ट्रीम कर रखी है अपने चैनल पर। तो फाइनली ये गेम अब फोन में भी आ गया है, तो इस गेम में आपको गॉड ने चूज किया है डीमंस वगैरह से फाइट करने को। तो इस गेम की जो मेन कैरेक्टर है राजी, उसको अपने भाई को रेस्क्यू कराना है, जिसके लिए उसको डीमंस वगैरह से फाइट करनी है। ज्यादा नहीं बता रहा यार, ज्यादा स्टोरी रिवील कर दूंगा गेम की तो फिर मजा नहीं आएगा गेम को खेलने में, तो एक बार जरूर ट्राई करना, बेस्ट गेम है, साइज ज्यादा नहीं है और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, तो बेस्ट गेम है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना। और हां अगर आपको ऐसे गेम खेलना है जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के चल जाए, मतलब आपको नेट यूज ही ना करना पड़े, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो चला लेना, मैंने इसमें 10 ऑफलाइन गेम बताए जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए गेम के साथ, जब तक के लिए आप मेरे को कमेंट करके बताना आपका फेवरेट गेम कौन सा था और आप कौन सा गेम ट्राई करने वाले हो, ठीक है। बाकी जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।